नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और रोमांचक विषय पर बात करेंगे जो न केवल विज्ञान फिक्शन के प्रशंसकों को आकर्षित करता है बल्कि विज्ञान और दर्शन के प्रेमियों के लिए भी एक दिलचस्प चर्चा का विषय है, समय यात्रा के पैराडॉक्स। पहला पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप समय की मशीन में सवार होकर अतीत में चले जाते हैं और अपने दादा को मार देते हैं। सवाल उठता है, अगर आपके दादा मारे जाते हैं तो आप कैसे जन्म लेते हैं? क्या आप कभी उस मशीन में बैठकर अतीत में जाने की स्थिति में आते? दूसरा पैराडॉक्स है फेटलिस्टिक पैराडॉक्स। मानिए आप भविष्य से अतीत में लौटकर एक भविष्यवाणी करते हैं। जब भविष्यवाणी सच होती है तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य का सब कुछ पहले से ही निर्धारित है? चाय के पत्ते पैराडॉक्स में भविष्य से चाय की पत्तियां लेकर अतीत में जाकर एक भविष्यवाणी की जाती है जो बाद में सही साबित होती है। यह सवाल उठाता है कि क्या ज्ञान का कोई वास्तविक स्रोत है या सब कुछ समय यात्रा के परिणाम है? विज्ञान भी समय यात्रा के पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करता है। क्या ब्रह्म रूपीय और सापेक्षता के सिद्धांत इन पैराडॉक्स का समाधान कर सकते हैं? क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? समय यात्रा का प्रभाव हमारी सांस्कृतिक धारा पर गहरा है। फिल्मों, किताबों और मीडिया में इसके विविध रूपों को देखकर हम देख सकते हैं कि यह हमारे सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। समय यात्रा के पैराडॉक्स हमारे सोचने के ढंग को चुनौती देते हैं और भविष्य में इसके संभावित हलों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये पैराडॉक्स कभी हल हो सकते हैं? आपके क्या विचार हैं? कितने असाध्य हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। समय यात्रा और अन्य रोचक विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर इनसाइट से जुड़े रहें। धन्यवाद।